टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, तीसरा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और मल्टी डिसिप्लिनरी स्ट्रीम है, यानी साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कॉमर्स मैनेजमेंट हो गया, बाकी सब जो है इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेस में आते हैं, यानी आर्ट्स हो गया, बाकी सब जर्नलिज्म वगैरह। तो ये चार स्ट्रीम हुए, उसमें से कॉमर्स मैनेजमेंट से हमारा रिश्ता है तो कॉमर्स मैनेजमेंट में अलग अलग कोर्सेस आएंगे जिसको हम प्रोग्राम्स बोलते हैं, बीकॉम, बीबीए, बीसीसीए। लेकिन ये भी अभी नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में थोड़े मर्ज हो गए, उसके डिटेल में दूंगा। ये जो सबसे पहला चेंज जो हम लोगों को देखना है, नाउ योर ग्रेजुएशन कोर्स विल बी 4 इयर्स डिग्री कोर्स, 3 साल का नहीं रहेगा, 4 साल का। लेकिन चौथा साल ये आपके लिए थोड़ा सा ऑप्शनल हो जाएगा। वैसे तो थोड़ी जोक सा पार्ट, हर साल ही आपके लिए ऑप्शनल रहेगा पहले साल से। इसके इसमें एक स्कीम डाली गई है, इसको यहां पर देखो लिखा है, ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट फैसिलिटी, मल्टीपल एंट्री एग्जिट फैसिलिटी मतलब आप ग्रेजुएशन आफ्टर पासिंग 12 आप जो कोर्स करोगे या डिग्री कोर्स करोगे, आपको कभी भी अंदर आने की और कभी भी छोड़कर जाने की फैसिलिटी मिली हुई है, ठीक है। इसलिए जैसे हमको आज भूख लगी तो हम जाके होटल में खाएंगे, नहीं लगी तो होटल में नहीं जाएंगे। इट इज जस्ट लाइक कि जिस साल आपको जरूरत है पढ़ाई की उस साल आप पढ़ाई करो, एक साल कर लिया अभी आज जरूरत नहीं है तो ठीक है एक साल आराम करो छोड़ दो बीच में। लेकिन गवर्नमेंट में इसके लिए फैसिलिटी इसलिए बोला है कि अगर आप एक भी साल पढ़ाई करोगे तो यू विल गेट समथिंग, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले तो ना बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, फिर फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ नहीं सका, कुछ प्रॉब्लम था, फैमिली प्रॉब्लम था, बाहर गया, हो गया, मामा के आ गया, काका के आ गया, छोड़ दिया, तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर